अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महिलाएं। महिलाओं ने किया ऐलान, हक नहीं मिला तो नए शहीन बाग के लिए तैयार रहे मुख्यमंत्री। पुराना पुल वाराणसी बुनकर साझा मंच उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज से फ्लैट रेट बिजली की बहाली की मांग को लेकर महिलाएं पुराना पुल के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गईं और ऐलान किया कि जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा हमारा धरना जारी रहेगा। बनारस आ रहे योगी जी से महिलाओं ने पूछा कि कोरोना काल में जब हर तबके लोगों को अतिरिक्त राहत दी जा रही है तो बुनकरों से उनका पुराना राहत भी क्यों छीना जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि हम और हमारे बच्चे भूखे हैं, अब अगर हम चुप रहें तो हम नहीं बचेंगे। ऐसे में हमें कोरोना या मुकदमे का डर दिखाकर अब सड़कों पर उतरने और बनारस में नया शहीन बाग बनाने से नहीं रोका जा सकता। धरना व सभा के मुख्य रूप से शहनाज बानो, शबनम खातून, अलीमुन, तालिमुन, सबाना आदि के अलावा साझा मंच के मनीष शर्मा, फजरुल अहमान अंसारी, नूरुल हक, एहसान भाई, बजले रहीम, लियाकत भाई आदि ने भी संबोधित किया। आइए दिखाते हैं पवन कुमार सिंह की इस खास रिपोर्ट पे। शबनम जी, आज किस प्रकार का प्रदर्शन था और क्या मांगे थी आपने? इधर आइए आप। क्या चाहती है आप सरकार से? सरकार से हम यही चाहते हैं कि मतलब जो पहले वाला रेट जो मतलब था, पहले 100 रुपया था, तो आज भी वही रेट में होना चाहिए। आगे अगर 3000 रुपया कर देंगे तो हम लोग कैसे देंगे? हमारे रोजी रोजगार तो खत्म हो जाएगा। हम पूछेंगे कास के बोलिएगा। कब से प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का? पूछेंगे तब। आज 16 दिन हो गया। 16 दिन में अभी आपकी मांगे कोई भी अधिकारी आके सुना यहाँ पे? कोई नहीं। आपने किसी से मिलने की कोशिश किया? सरकार की तरफ से कोई आपसे मिलने आया? तो आप आगे क्या चाहती है? क्या नाम पड़ेगा आपका? पहले क्या नाम है आपका? हाँ, मनीष शर्मा मेरा नाम है और बुनकर साझा मंच की तरफ से बोल रहा हूँ। बात मनीष जी, आज किस प्रकार का प्रदर्शन था और क्या मांगे हैं आप? जानते हैं 15 दिनों से 15वां दिन हो गया है ये हड़ताल जारी है, फ्लैट रेट बिजली की बहाली जो पुरानी हमारी प्रणाली थी बुनकर समाज की, और बेहद संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। सरकार बातचीत नहीं कर रही है, संवेदनशीलता भी अपने आप में नहीं दिख रही है। तो अब जो है, अब तक जो है बुनकर मुर्री बंद का ऐलान किए थे, कोरोना काल का ध्यान रख रहे थे कि केवल मुर्री बंद किया जाएगा, सड़कों पे नहीं उतरा जाएगा, लेकिन सरकार हमको अब उस दिशा में ढकेल रही है। और न केवल पुरुष बुनकरों को बल्कि आप देखिए कि महिलाएं भी अब सड़कों पे उतरने के लिए तैयार होंगे। आज से इनका ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है अगर हमारी बात अब नहीं मानेंगे तो हम अब केवल मुर्री बंद अनिश्चितकाल नहीं करेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों को भी महिलाएं और पुरुष दोनों जाम करने की तरफ बढ़ेंगे। और एक बात और कहना चाहते हैं, मुकदमे से डराने की कोशिश कर रही है सरकार, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि मुकदमे से आप नहीं डरा सकते हैं। हम जो है आपको अब आना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसी तरह जिद पे अड़े रहे, यही आपकी दिशा रही अगर सरकार की, कल योगी जी यहाँ उत्तर बनारस में आ रहे हैं, तो हम खुद आपके जिला मुख्यालयों पर लाखों लोग जेल भरो कैंपेन के लिए उतरेंगे। आप गिरफ्तार करिए, आप मुकदमे करिए, लेकिन एक बात जान लीजिए, फ्लैट रेट जो हमारी मांग है वो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है और ये हमारा संवैधानिक हक है, ये आपको देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के खजाने में जितना रेवेन्यू हम भरते हैं उसका 5% भी हम सब्सिडी में नहीं मांग रहे हैं, तो ये हमारा हक है और इस हक को आपको देना पड़ेगा। ये हक हम लेके रहेंगे और हम महिला और बुनकर इसको लेकर के हम और बड़े आंदोलन में जाएंगे। और ये कहना चाहते हैं आपसे कि एक बात समझिए, अब आर पार का मूड है हमारा। आने वाले समय में अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो या तो आपकी कुर्सी रहेगी आने वाले समय में या हमारा फ्लैट रेट रहेगा। ये हम एक चेतावनी देना चाहते हैं। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं बनारस में और कल भी हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे और कल जो है धन्नीपुरा मैदान से एक बड़ा जुलूस हम जो है
निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर लोग उतरेंगे, तो हम लड़ेंगे भी, बातचीत भी करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे हर हाल में अपना हक लेकर।